उत्कृष्ट परिणामों की कड़ी में संगरिया के मदर्स प्राइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संजय लेगा मेरे साथ हैं, जो ओंकार लेगा के पुत्र हैं और उन्होंने भी बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। इनसे जानते हैं आपका परिणाम क्या रहा। मेरा परिणाम 93.83%। जो आपने ये परिणाम प्राप्त किया है उसमें आपको किस तरीके से मार्गदर्शन विद्यालय का और कौन मार्गदर्शक रहे आपके? मार्गदर्शक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सतपाल सर और स्टाफ मेंबर्स सर, उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को और मेरे मम्मी पापा। परिवार से जो एनवायरनमेंट है आपको एक सहयोगात्मक मिलना चाहिए, वो आपको उचित ढंग से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे जैसे आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि मैं ये आगे ये बनना है। हर हर बच्चे की एक मनसा होती है कि किस तरीके से मैं आगे जाके अपने शहर का, अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाऊं। मैं नॉन मेडिकल लेकर इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा। इंजीनियरिंग लाइन में जो आपने इंजीनियरिंग लाइन में जाने का सोचा है उसका भी कोई वजह होगी, किस तरीके से आपको मैकेनिकल लाइन में या जिससे इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट है। मेरा आपा जाते हैं, मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके परिवार के एक सहमति इस तरीके की है कि भाई आ इंजीनियरिंग लाइन में जाओ। जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया है वो बेस निस्संदेह रूप से बड़ा कठिन रहा होगा, आपने मेहनत भी की होगी, किस तरीके से दूसरे बच्चे तैयारी करें ताकि आपकी तरह ये एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए दो शब्द कुछ। उन्हें भाई पढ़ना चाहिए 8-8 घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। खेल मतलब कुछ बच्चे हैं जो खेल की तरफ होते हैं, मतलब 10वीं में आके खेल छोड़ने चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक दूसरे साथ अपने डाउट क्लियर करने चाहिए, एक दूसरे साथ मिलकर एक दूसरे मदद करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक ग्रुप बना के पढ़ें हाँ, एक ग्रुप बना के पढ़ना और चाहिए। खासकर जो प्लस 10th है और प्लस 2 के क्लासेस में विशेष ध्यान रख के पढ़ाई करें। धन्यवाद।